जय शिवराय, ओम साई राम, श्री स्वामी समर्थ। तो फाइनली अभी दो दिन में अपने गांव में ही हूँ, तो आज सोचा कि और एक जगह जो है वो एक्सप्लोर कर लूँ। और आज जिस प्लेस में जा रहा हूँ वो एक वर्शिप प्लेस है, हरिहरेश्वर, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अभी मैं हूँ मानगांव में, मतलब मानगांव में मेरा गांव है। और मैं मेरे गांव से अभी दो रूट जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। एक है, आप जब भी मुंबई से आ रहे हो तो डायरेक्टली मानगांव आके राइट मार सकते हो, मसला श्रीवर्धन रोड मोरबा के रूट से। और मैं उसके पहले ही मेरा गांव है, तो मेरे गांव से एक शॉर्टकट है जो डायरेक्टली जाता है साई मसला के रोड से। तो यहाँ से एक शॉर्टकट जाऊँगा और यहाँ से इस गांव से बीच में से शॉर्टकट लेके मैं डायरेक्ट जाऊँगा साई, साई से मसला, मसला से जो श्रीवर्धन हाईवे वो डायरेक्ट हरिहरेश्वर लेके जाता है। तो दोस्तों, आज की जो राइड है वो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मेरे राइड पर मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे दोस्त का जो छोटा भाई है शंकर एलकर, वो भी है। और शंकर को मैंने सुबह कन्विंस किया कि चल अभी फैमिली फंक्शन वगैरह हो गया तो यहाँ से अपन निकलते हैं हरिहरेश्वर। और हम लोग दोपहर को निकलने वाले थे 1 बजे, पर बहुत ज़्यादा धूप थी और मैं थक भी गया था कल राइड को लेके। तो अभी बज गए शाम के 4:30 और अभी हम लोग निकले हरिहरेश्वर के लिए। हरिहरेश्वर यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर्स है मेरे गांव से। तो एंजॉय करेंगे राइड को, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे होने वाले, वन लेन रोड है। वन लेन रोड में ओवरटेकिंग करने में मज़ा आता है, फिर आप ओवरटेकिंग करके आपके पास अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन रोड काम वगैरह ऐसा कुछ चालू नहीं है बड़ा बड़ा, जो कि सीनरी जो भी व्यू है उसको ख़राब करेगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको बहुत अच्छे नज़ारे मिलेंगे रोड्स के, राइड को एंजॉय करने का मज़ा अलग होता है। फिर राइड जब भी करोगे तो मेक श्योर कि अगर वन लेन है तो आप संभाल के ओवरटेक करो, आपकी टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए ओवरटेकिंग की, आपकी जो नॉलेज है राइड का, आपके गाड़ी का, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका ब्रेकिंग कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी ब्लॉग को एंजॉय करो और प्लीज़ इस ब्लॉग में कमेंट करना मत भूलना। हर और मेरे आगे है महाराष्ट्र की शान मान, मतलब अपनी लाल परी। और महाराष्ट्र में कितने भी अच्छे गाड़ियां हो, पर महाराष्ट्र तभी सुंदर दिखता है जब महाराष्ट्र में लाल परी गांव-गांव से जाती है और बड़े बड़े हाईवे से जाती है। मुझे आज भी याद है, मैं बचपन में मेरे दादाजी जब मुझे लेने आते थे तो इसी लाल परी में मैं बैठता था। और मैं कभी पीछे सीट पे नहीं बैठता था, मैं ड्राइवर के आगे जाके एक सीट होती है इंजन के ऊपर या फिर सीट के ऊपर इंजॉय करता था। और मेरे हाथ में स्टीयरिंग तो नहीं होती थी, पर मैं ऐसा बिहेव करता था कि भाई मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ। बोलते ना एक बचपन में घूम घूम करो, वैसा कुछ हमारे में कीड़ा होता था। और मेरे को बचपन से ही बाइक और कार का बहुत शौक था, इसलिए मैंने जब मैंने अर्निंग करना चालू किया तो सबसे पहले मैंने बाइक लिया। उसके बाद मैंने खुद के दम पे एक 4-व्हीलर ली थी, उसके बाद और एक 4-व्हीलर ली, फिर लॉकडाउन में मैंने ये दोनों भी बेच दिया। पर कहने का मतलब यही है, जो चीज़ें आपको पसंद है ना, वो आपको कला तभी पता चलती है जब बचपन में आप उस चीज़ पर ध्यान देते हो। तो मेरे डैड हमेशा मेरे पे ध्यान देते थे, ये भाई इसको ना गाड़ी और बाइक का बहुत शौक है, तो वही शौक मैं पूरे करता हूँ। अभी बात ऐसी है ना कि मुझे 2-व्हीलर 4-व्हीलर फिर टेम्पो चलाने बहुत अच्छे से आता है। मैंने लॉकडाउन में टेम्पो भी सीखा, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे पास टाइम था, मैं जब कुछ बिजनेस करता था खुद का छोटा मोटा, तो वो टाइम पे मैंने टेम्पो भी सीखा। तो सीखने लाइक रोड्स और गाड़ी और मेरा कनेक्शन बहुत अलग है। मुझे रोड पर घूमना बहुत पसंद है, मतलब जगह जगह पर घूमना बहुत पसंद है। मुझे अगर कोई बोले कि तुझे रात भर गाड़ी चलाना है
मैं उस कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं आराम से रात भर गाड़ी चला सकता हूँ। मैं आपको एक उसका एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल मतलब एक बार मैं ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ जाना था अलीबाग, तो मुझे मेरा दोस्त बोला कि अलीबाग जाके रिटर्न आना है, मतलब उसी रात को जाना है और उसी रात को रिटर्न आना है। तो मैं कुछ रात को 12 बजे 12:30 बजे मैंने फोर व्हीलर मेरे हाथ में ली, मतलब दोस्त की फोर व्हीलर थी वो मेरे हाथ में ली, और हम लोग डॉट 2 बजे तक, मैंने उसको 1.5 घंटे 2:30 बजे के अंदर दो घंटे में मैंने उसको अलीबाग पहुँचा दिया। फिर 2 घंटे के बाद हम लोग ने आधा घंटा आराम किया, वो कुछ गाड़ी में कुछ सामान वगैरह था उसका फोर व्हीलर में, तो वो सब सामान वगैरह वो भर रहा था। मैंने तब तक आधा घंटा बस आराम किया, चाय भी पिया मस्त में, 3:30 बज गए थे। फिर 3 बजे हम लोग वहाँ से निकले, 3 बजे निकल के 5:30 5:15 बजे हम लोग रिटर्न मुंबई आ गए, मतलब हम लोग घर पे आ गए। तो मेरे को ना अगर कोई बोले कि भाई तुझे फोर व्हीलर रात भर चलाना है या फिर टू व्हीलर रात भर चलाना है, तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं आराम से चला सकता हूँ। मेरे डैड को मेरे मॉम को पूरा भरोसा है कि इसका जो ड्राइविंग स्किल्स है ना वो बहुत अच्छा है। मेरे डैड को कोई बोलता है कि मैं बहुत फास्ट गाड़ी चलाता हूँ या फिर, तो मेरे डैड एकदम कॉन्फिडेंस में जवाब देते हैं, उसका उस चीज़ पे बहुत अच्छा ध्यान है और वो बहुत बारीकी से फोर व्हीलर और टू व्हीलर पे ध्यान देता है जब भी चलाता है, तो उसका टेंशन नहीं लेने का, भले वो स्पीड चलाता है पर उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है उस चीज़ पर, उसका वो चीज़ पर हाथ बैठा हुआ है। मोस्ट ऑफ ऑल मेरा ये साल जो है ना वो पूरा रायगढ़ ही एक्सप्लोर करना रहेगा। अगर आप लोग को पता है कि रायगढ़ में कौन कौन सी जगह है जो एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में या फिर आप मुझे इंस्टा पे वंडरलस प्रवत के आईडी पे डीएम कर सकते हो, और हम उस जगह को की स्टडी करेंगे और एक्सप्लोर भी करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं भाई तू मराठी आहेस तो मराठी मध्ये व्लॉग कर। हाँ मला माहित आहे मी मराठी आहे, मी मराठी मध्ये व्लॉग करू शकतो आणि करणार कधी ना कधी, पण आपला रायगड फक्त मराठी लोकांना माहिती आहे, मतलब पण आपला रायगड जर बाहेरचे लोक मुंबईमध्ये येऊन राहत आहेत किंवा परप्रांती मुंबईमध्ये राहत आहेत, बिझनेस करतात, अर्न करतात, ते कोण ट्रॅव्हलही करतात लोणावळा बिनावळा, पण आपण ह्या गोष्टीवर पण लक्ष दिलं पाहिजे की बघा भरपूर लोक रायगड नाही फिरत आहेत। मग माझा कॉन्सेप्ट हेच आहे की मी हिंदी कॉन्टेंट बनवू, रायगडची इन्फॉर्मेशन लोकांपर्यंत पोचवू, जेणेकरून आपल्या रायगडमध्ये एक टुरिझम वाढेल। माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सभामध्ये बोललं गेलं होतं की कोकण रायगड हे असे जिल्हे आहेत ना जे फक्त टुरिझमवर लक्ष दिलं, म्हणजेच टुरिझमवर लक्ष दिलं त्यांनी, तर ते भरपूर काय अर्न करू शकतात। आणि ही गोष्ट आपल्या मराठी बांधवांनी फक्त मराठी कॉन्टेंट बनवून, हिंदी ज्यांना मराठी समजतच नाही, जे बाहेर तमिळ विमिळ बाहेरच्या देशात राष्ट्रामधले त्यांना समजत नाही, मग त्यांना ही गोष्ट पोचवायचं काम आपलं आहे। आपण हिंदीमध्ये पण ब्लॉग बनवून असं की मराठी आहे तर मराठीत बनवलं पाहिजे, हां अभिमानाने आपण मराठी बोललो पाहिजे, आपण त्यांना मराठी शिकवणार जे आहे ते आपल्या इथे फिरणार, पण आपला कॉन्टेंट हिंदीमध्ये बनवून माझा लक्ष हेच आहे की मी त्यांना माझ्या रायगडमध्ये काय काय जागा आहे ते एक्सप्लोर करून त्यांना सांगायचं, जेणेकरून ते त्यांच्या सुट्टीच्या टायमाला प्लॅन करतील। आणि टुरिझम वाढेल ना तर आपल्या गावच्या मंडळींना पण एक होप भेटेल की जर वेगवेगळी जागा मी एक्सप्लोर करून त्यांना दाखवलं आणि त्या लोकांनी प्लॅन केलं तर आपल्या इथे टुरिझम वाढलं आणि आपल्या लोकांना आपल्याच मातीमध्ये बसल्या बसल्या एक टुरिझमचा पैसा भेटेल, म्हणजे हॉटेल्स उघडतील, कोण काय वेगवेगळ्या व्यवसाय करतील, जेणेकरून जसे आपल्या रायगडमध्ये मानगावमध्ये किंवा महाडमध्ये आंबे वगैरे आहेत, काजू वगैरे आहेत, तर शहरामध्ये जाऊन त्याला विकायची गरज नाही, जेव्हा लोक इकडे येतील तर ते जाताना सर्व विकत घेऊन जाणार। और बीइंग एन रायगडकर मेरा मोटो यही रहेगा की मी सबसे पहले जिस जन्मभूमि मैंने जन्म लिया है रायगड पे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, तो वो जगह मैं आपको पहले बताऊँ ताकि आप लोग रायगढ़ में आके अलग अलग जगह एक्सप्लोर करो। बाइक का पार्किंग का 10 रुपीज़ है, ठीक है यार सेफ तो रहेगी गाड़ी। और जत्रा पूर्ण जत्रा भर ली है। हाँ,